हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाई पी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटे, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन बेटे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेटा, जो आज की प्रश्नावली है वो है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 18.2। देखिए 18.2 में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बेटा, निर्देशांक ज्यामिति की बात करूं तो देखिए 10 मार्क्स की आएगी, कितने 10 अंक की आएगी और बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल आराम से हल्के क्वेश्चन है, आराम से आपके से बनेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन समझिए आप। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके मैथ में, 4.3 और दिया इसने 2.5 के बीच की दूरी निकालनी है। 4.3 और 2.5 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूं, दूरी का सूत्र क्या है। देखिए बेटे, दूरी का जो सूत्र है, दूरी बराबर आप लगाओगे इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपने लगा दिया सूत्र। और सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें x1 और y1, x2 और y2 किसे मानोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करोगे आप, x1 है तो देखिए इधर मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, एक बार x1 की वैल्यू मानोगे आप 4, ठीक है, ये x1 है। इस प्रकार से y1, तो बेटा y1 आपका ये है, y1 की कितनी हो जाएगी 3। इसी प्रकार से x2 की कितनी है, x2 बराबर 2। इसी प्रकार y2, तो y2 बराबर कितना दे रखा है 5। ये बेटा वैल्यू है, इस प्रकार से आप इसमें मान लगाना है आपको। तो देखिए आपने देखा, ये देखिए सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये x1 है और ये आपका x1 और y1, ये आपका है x2 और y2, क्लियर। अब सीधे सीधे वैल्यू रख लो आप, x1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है x1 x2 और ये क्या है y2 y1। तो बेटा जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब y2, तो y2 देखा आपने 5 है और y1 देखा आपने तो 3 है, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा लो रूट। आपने देखा कि 4 चौक कितना हुआ 16 और 2 दूनी कितना हुआ 4 प्लस 5 कितना हुआ आपका 25 और 3 तिया कितना हुआ आपका 9, इसके ऊपर आप चढ़ा लो रूट। देखिए ये है 16, अब 16 में से आप क्या करोगे, 2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 ये हो जाएंगे आपके प्लस के और 3 तिया 9 ये भी आपके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये एक तरकीब और भी है इसमें, चलिए ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए 16 4 20 हुआ प्लस 25 5 30 और 30 4 34 हुआ, इस प्रकार से ये रॉन्ग आ जाएगा, आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। एक मिनट बेटे, सूत्र को थोड़ा सही करिए। देखिए यहाँ x1 की जगह क्या आएगा, x2 आएगा और यहाँ आएगा x1। अब आप समझिए x2 है तो x2 कितना है आपका 2 है, ये x2 कितना है 2 है और ये आपका 4 है, x1 कितना है 4 है। तो अब यहाँ समझिए बेटे, अब क्वेश्चन बन गया, देखो क्वेश्चन क्या हुआ, अब ये माइनस के 4 हैं, 2 में से माइनस के 4 में से ये प्लस के 2 गए तो आपके माइनस के 2 बचे, ठीक है, माइनस के 2 का कर दो आप होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस है तो प्लस,
प्लस के 5 है और माइनस के 3 है, तो प्लस के आपके कितने बचेंगे 2। आप यहाँ 2 का कर दीजिए होल स्क्वायर, तो बेटा आपका ये आ गया। देखिए अब आप समझो माइनस का 2 है, जैसे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, अब 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस के कितने हो गए ये 4 और प्लस 2 दूनी 4, प्लस के कितने हो गए ये 4, 4 4 कितना हुआ 8, कितना हुआ 8। अब अंडर रूल 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए बेटे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक करिए, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए, सूत्र हमारा बही रहेगा इसलिए मैंने रफ नहीं करा। दूसरे जो बिंदु हैं ये हैं आपके 2,0 और -1,4। ठीक है, और सूत्र जो हमारा सूत्र बही रहेगा, तो क्वेश्चन अभी बनाते हैं। देखिए देखो अब क्या हो जाएगा आपका, यह रखो आप x2 दूरी बराबर। अब आपने देखा x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिखो x1 की 2। y1 की कितनी है 0, यहाँ लिख दो 0। इसके बाद x2 की कितनी है -1, तो यहाँ लिखो आप -1। y2 की कितनी है 4, तो यहाँ लिखो आप 4। अब आप यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -1, आप यहाँ लिखो -1। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की कितनी है वैल्यू यहाँ पे 2, तो ये 2, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसे आप इस प्रकार से माइनस में लिखिए, चलिए डबल मत लगाइए, इस प्रकार से कर लीजिए। प्लस है तो प्लस, बाई टू की वैल्यू देखो कितनी है 4 है, तो आप 4 रख लो। बाई वन की वैल्यू कितनी है 0, तो आप 0 रख लो। इसका कर लो आप होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, देखो 2 माइनस के ये है और एक ये है। अब यहाँ पे ब्रेकेट है, तो ब्रेकेट है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 2 और एक कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस के क्या हो जाएंगे आपके ये 3, 3 का कर लो होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 है, तो ये 4 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप रूट चढ़ा लो, ठीक है। इस प्रकार से 3 आपको हो गया 9, प्लस 4 चौक कितना हुआ आपका 16, 4 चौक 16, और ये हो गया अंडर रूट में आपका 16, 9, 25। अब अंडर रूट में 25, तो अंडर रूट में 25 का मान 5 25 यानी 5 इकाई। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये देखिए दे रखा है 2a - a, ब्रैकेट कर लो आप बंद, और क्या दिया है, और a, -a, -3a। तो आप यहाँ पे समझिए x1 की वैल्यू कितनी है 2a, यहाँ भर लिख लो आप 2a। y1 की कितनी है a, तो आप यहाँ लिखो a। x2 की कितनी है -a, तो यहाँ कर लो आप -a। y2 की कितनी है आपकी -3a, तो आपने यहाँ कर लिया 3a। अब जल्दी से वैल्यू लगा दीजिए क्वेश्चन में और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो समझिए देखिए x2 की वैल्यू दे रखा है, x2 की कितनी है -a, और ये है माइनस। x1 की कितनी है 2a, तो ये हो जाएगी आपकी 2a। ठीक है, आगे समझिए, प्लस लगाए तो प्लस लगाइए। y2 की वैल्यू देखिए कितनी है, y2 की है -3a, माइनस है तो माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है a है, तो आप यहाँ पे a कर लीजिए। ठीक है, ये भी ब्रैकेट मत लगाइए, सीधे इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाइए आप, इस प्रकार से इसके ऊपर आप रूट चढ़ा दो। अब आप देखोगे बेटा ये माइनस का 2a है और एक माइनस का a है, तो माइनस का 2a और a कितना हो जाएगा आपका, ये होल स्क्वायर करिए, 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस, माइनस का 3a और a कितना हुआ 4a, कितना हुआ 4a, इसका करिए आप होल स्क्वायर और इसके ऊपर चढ़ा दो आप रूट, चढ़ा दिया। अब देखिए 3 3 कितना हुआ बेटा, 3 3 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 9 का 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर
इसी प्रकार से चार चौक कितना लिख सकते हैं हम, चार चौक ये आएगा आपका माइनस के 3a और a माइनस के 4a आएगा, माइनस का 4a। जब माइनस का 4 आएगा तब क्या हो जाएगा, चार चौक 16 ए स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप किस प्रकार से करोगे, देखिए ए ले लो आप कॉमन, 16 और 9 कितने हुए 25, ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर, कितना हुआ 25 ए स्क्वायर। अब अंडर रूट 25, 25 का मान कितना होता है 5 और ए का हो जाएगा ए, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, ये आ गया आपका फाइनली आंसर। तो बेटा तीन क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में दिया है, देखिए 4 कॉमा माइनस 6, इसके बाद है और दे रखा है माइनस 6 कॉमा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे x1, x1 की वैल्यू 4 तो हमने यहाँ लिख ली 4, y1 की वैल्यू माइनस 6 तो हमने लिख ली माइनस 6, इसके बाद x2, x2 की वैल्यू माइनस 6, y2 की वैल्यू है 4 तो आपने लिख ली 4। सीधे सीधे आप सूत्र लगाइए, सूत्र देखिए आपका रफ हो गया, कोई बात नहीं, सूत्र मैं दोबारा से लिख देता हूँ। सूत्र आप लगाओगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। सूत्र में वैल्यू लगाइए, आंसर आपको जल्द से जल्द मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो समझिए x2, x2 की वैल्यू देखिए आप कितनी है, माइनस 6, तो माइनस 6 कर लीजिए। अब यहाँ माइनस लगाए सूत्र का, तो माइनस x1 की कितनी है, x1 देखिए आप 4, x1 की कितनी है 4, इसका कर लीजिए आप सीधे सीधे होल स्क्वायर, क्या कर लिया आपने होल स्क्वायर, प्लस लगाया तो प्लस, बाई टू की वैल्यू देखिए 4 है तो 4, माइनस बाई वन की वैल्यू आपकी माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगी प्लस की 6, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसका करोगे आप 6×36, 4×4=16, नहीं आप ऐसे करके कर लो, देखो माइनस के 4 ये हैं, माइनस के 6 ये हैं, 6×4=10 किसके हो गए आपके, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस के हो जाएंगे ये 10, तो ये तो हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस, और 6×4=10 ये भी हो गया आपका 10 का होल स्क्वायर, ये चढ़ा लो आप रूट, तो 10 दशावन होता है 100 प्लस 10 दशावन होता है 100, और 100 कितना हुआ आपका 200, कितना हुआ 200, और अंडर रूट आप 200 को कितना लिख सकते हो, 10 दशावन 100 दशावन 1000 ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 दशावन 100 दूनी 200, सीधे सीधे लिख सकते हो 10 अंडर रूट 2 इकाई, यानी 10 दशावन 100 दूनी 200। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे पाँचवा क्वेश्चन समझिए, पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है आपका ए, ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा, ब्रैकेट कर लीजिए बंद, कह रहा है और ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये कर लीजिए बंद। अब वैल्यू लिख लीजिए उधर, देखिए एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू है ए साइन थीटा, क्या हो जाएगी ए साइन थीटा, बाई वन, बाई वन की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा, एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, बाई टू, तो बाई टू की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस है ना, एक मिनट चेक करता हूँ, हाँ ये माइनस है, तो इसकी हो जाएगी माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में वैल्यू आप लगाइए, तुरंत क्वेश्चन बनेगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, समझिए आगे। तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, वैल्यू लगा दीजिए सीधे, देखिए रोड में बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगाओ, देखिए कॉस एक्स टू की जगह क्या आ जाएगा, एक्स टू की जगह ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, माइनस है सूत्र में तो माइनस लगाइए। अब देखो x1 की वैल्यू a sin थीटा,
तो आप लिखोगे यहाँ ए साइन थीटा, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा, माइनस है इसमें तो माइनस, बाई वन की कितनी है ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगी इसकी ए कॉस थीटा, इसका कर लो होल स्क्वायर। ये पूरे के ऊपर रूल है, पूरे के ऊपर रूल है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सीधे कर लो अब इसके ऊपर रूट चढ़ा लो पहले ही, ये कर लो आप ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लो क्योंकि ए स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ए स्क्वायर भी ये भी हो जाएगा, तो सीधे सीधे ये कर लो आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का ये, माइनस का ये, तो माइनस का ए कर लो आप सीधे, इसका कर लो होल स्क्वायर, और यह बचा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब आपका किस प्रकार से बनेगा समझिए, समझिए आराम से, देखिए ये हो जाएगा आपका पूरे के ऊपर रूट चढ़ाइए, बड़ी ब्रैकेट ए स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस है ना, अब गुणे रूप में साइन थीटा की दो बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की करोगे तो सीधे कर लो यहाँ माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है क्वेश्चन बना हुआ, चेक करते रहिए आप भी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा और कॉस थीटा, यही होगा ना, बिल्कुल सही है, पता चल जाएगा क्वेश्चन में आगे आंसर आएगा या नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा आपका समझिए, रूल में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, ए स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे समझिए आप, आगे आपका हो जाएगा देखिए 2a गुणे 1, 2a स्क्वायर गुणे 1, यही तो हो जाएगा, और सीधे सीधे ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये a अंडर रूट 2 इकाई, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो पांचवा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, हो सकता है लंबा हो समझ में ना आया हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, दो एक बार वीडियो को देखिए, आराम से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। चलते बेटा आगे की ओर, चलिए बेटे छठा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ए एम वन का स्क्वायर माइनस टू ए एम वन, ब्रैकेट कर लो बंद, और क्या दिया है, और दे रखा है ए एम टू का होल स्क्वायर कॉमा 2am2, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बिंदु भर लीजिए आप, x1 की वैल्यू कितनी है am1 का स्क्वायर कर लो इसे, am1 का स्क्वायर, y1 का 2am1 और m1, इसी प्रकार से x2 तो am2 का स्क्वायर, am2 का होल स्क्वायर, बाई टू की वैल्यू क्या है 2am2, ये क्वेश्चन आपका बना।
इस प्रकार से वैल्यू आप भरिए, वैल्यू आप रखोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन में। देखिए बेटे, रूट चढ़ा लो आप, सबसे पहले एक्स टू की जगह वैल्यू रखो ए एम टू का होल स्क्वायर, ए एम टू का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स वन की है ए एम वन का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, फिर क्या रखा है प्लस है तो प्लस, बाई टू की देखो बाई टू की क्या है टू ए एम टू, टू ए एम टू, माइनस है तो माइनस, अब बाई वन की कितनी है, बाई वन ये है आपका बाई वन टू ए एम वन, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ये हो जाएगा सीधे ए स्क्वायर ले लो बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका एम टू का स्क्वायर माइनस एम वन का स्क्वायर, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका टू ए का स्क्वायर और एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आपका क्या बनाइए समझिए, आपका बनाइए अंडर रूट बड़ी ब्रैकेट, इसमें बड़ी ब्रैकेट बंद करिए, ये यहाँ पे आके होगी बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ये है आपका ए स्क्वायर एम टू का स्क्वायर माइनस एम वन का स्क्वायर, तो सीधे सीधे हम क्या कर ले रहे हैं एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर कर ले रहे हैं, ये एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर है ना, तो दो दूनी कितना हो जाएगा चार ए स्क्वायर, ये तो हो गया आपका चार ए स्क्वायर, यहाँ एम टू का निशान है तो आप ब्रेकेट लगाइए, ये देखिए एम टू माइनस एम वन का स्क्वायर है तो हम एम टू माइनस एम वन का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर इसे आप ऐसे ही रहने दो, ब्रेकेट कर लो बंद। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए ए एम टू, एम टू माइनस एम वन ले लो बाहर, ठीक है, और अंडर रूट में सीधे सीधे क्या कर लो आप एम वन प्लस एम टू का कर लो होल स्क्वायर, एम टू प्लस एम वन का, एम टू प्लस एम वन का कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस आपका क्या बचा फोर बचा तो आप प्लस फोर कर लो, इधर कर लो आप इकाई, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। ब्रैकेट इसे आप बड़ी ब्रैकेट में लगा सकते हो, यहाँ पे इसे बड़ी वाली ब्रैकेट में बंद कर लो। तो इस प्रकार से ये बेटा छठा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, चलते हैं आगे की ओर सातवें क्वेश्चन की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे सातवां क्वेश्चन समझिए, सातवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, और आगे लिखा है और मूल बिंदु, और मूल बिंदु। तो देखिए इसमें क्या आप करोगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, देखिए छठा क्वेश्चन है ना, सॉरी सातवां है, सातवां क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे देखिए, जो आपका ये एक्स वन है ना एक्स टू, तो ये हो जाएगा ए आपका साइन अल्फा, क्या हो जाएगा एक्स टू ए साइन और अल्फा, इसी प्रकार से अब इसमें दूसरा बिंदु दिया हुआ नहीं है, कौन सा एक्स वन, तो एक्स वन आपको मानना पड़ेगा जीरो। इसी प्रकार से देखिए ये आपका दे रखा है बाई टू, तो बाई टू कितना हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, आप लिख सकते हो ए कॉस अल्फा। इसी प्रकार से आप बाई वन की बात आएगी तो आप जीरो मानोगे इसे, ठीक है, अब आप सूत्र में लगा दोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, समझिए
एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू है ए साइन अल्फा, इसका कर लो आप होल स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मूल बिंदु और है, एक्स वन की वैल्यू कितनी है जीरो, अब आप इसका कर लो होल स्क्वायर प्लस बाई टू, बाई टू की क्या है ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा माइनस है बाई वन की कितना है जीरो, तो आप इसका कर सकते हो होल स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा लो आप रूट, तो आपका देखिए क्या बन गया, आपका बन गया ये एक ही दो बार गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है प्लस है तो प्लस जीरो का होल स्क्वायर जीरो, ए का मतलब है एक का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस अल्फा का तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा है बेटा अल्फा, क्लियर। अब क्या बन गया, इसमें से आप ले सकते हो ए बाहर, ए रूल हो जाएगा, ए की गुणा क्या करोगे ए स्क्वायर हो जाएगी, ए की गुणा ए स्क्वायर, तो बचा क्या साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचा सीधे सीधे मात्रक पूछ रहा था इसका, तो हो जाएगा आपका ए मात्रक। तो बेटे इस प्रकार से हमने कितने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेटे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए और बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आए या नहीं आए। तो बेटा देखिए ये प्रश्नावली आपकी कितनी है 18.2 है, निर्देशांक ज्यामिति हमारी शुरू हो गई 18.2 में बेटा, एक से लेकर क्वेश्चन नंबर एक से लेकर हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें फिर इस जो प्रश्नावली है इसके क्वेश्चन हम उस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।